आप लोग कहाँ से आए हैं? जी हम लोग तो आसाम से आए हैं। हाँ जी, किस पर्पज से आए हैं बताइए? हम लोग चप्पल बनाने वाला मशीन को लेने के लिए आए थे यहाँ पे। हाँ जी, और इसका एड्रेस हम लोग यूट्यूब के द्वारा से मिला है हम लोग को। हाँ जी, तो आप लोग यूट्यूब में जो वीडियो डाले थे उसका रिव्यू बहुत अच्छा लगा, तो इसलिए इस दुकान में हम लोग विजिट किया। अच्छा, आपने यूट्यूब में जैसे वीडियो में देखा था, हाँ, आपको आके यहाँ पर पूरा सब वैसे एकदम एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्ट ए टू जेड एग्जैक्ट सेम दिख रहा है 100%। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। और आज बहुत अच्छा, बहुत लोगों को लगता होगा ना कि यूट्यूब में कुछ दिखा रहे हैं और आने के बाद आप असम नॉर्थ ईस्ट इतनी दूर आए हो, इतनी दूर से तो आपको सेम सेम चीजें दिख रही है ना? हाँ श्योर मैम, सेम 100% सेम। थैंक यू। तो आप लोगों को ये इंडस्ट्री लगानी है, काम शुरू करना है आप लोगों को। आप कहाँ से आए हैं? कश्मीर से। तो किस पर्पज से आए हैं आप? बिजनेस पर्पज से। तो आपको ये स्लीपर इंडस्ट्री लगानी होगी, मशीन लेना होगा, रॉ मटेरियल लेना होगा। जी, आपने हमारी यूट्यूब के और वीडियोस वगैरह देखे होंगे? बहुत सारे देखे। कैसे लगे आपको? बहुत अच्छे। तो आपने जैसे यूट्यूब में देखा है, आपको यहाँ आने के बाद क्या वैसा दिख रहा है कि कुछ अलग दिख रहा है? सेम ऐसे ही दिख रहा है ना जी। थैंक यू। उससे भी बढ़िया दिख रहा है, वेरी गुड। कि देखो, किसी किसी को लगता होगा कि यूट्यूब में कुछ देख रहे हैं, जाने के बाद कुछ अलग दिखेगा। तो आप कश्मीर इतनी दूर से आए हो तो आपको सेम सेम चीजें दिख रही है ना? सेम। चलिए, आप नया काम शुरू करोगे? हाँ इंशाल्लाह, इसलिए आप आए हो यहाँ पर, मशीन वगैरह लेंगे इसलिए, है ना? कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है पैराजोन इंजीनियरिंग कंपनी में हमारी। ये हमारे क्लाइंट हैं नेपाल से। आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि जितने भी हमारे नेपाल के भाई लोग हैं जो इस व्यापार को करना चाहते हैं, उनको अब जो है इंडिया में आने की जरूरत नहीं है। हमारी ही कंपनी की एक ब्रांच नेपाल में हम खोलने जा रहे हैं। वहीं पे आपको कच्चा माल भी अवेलेबल होगा, वहीं पे सारी मशीनें भी आपको अवेलेबल होंगी। किसी तरह की कोई भी जानकारी आपको चाहिए, जो स्क्रीन पे हमारे नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पे आप फ़ोन करिए, व्हाट्सअप करिए, आपको सारा माल नेपाल में ही मिलने वाला है, इंडिया आने की जरूरत नहीं है। आप इनसे बात करिए। मिस्टर प्रदीप हैं, ये मिस्टर दीन बहादुर जी हैं, ये बताएंगे नेपाल कौन सी जगह में हमारी ब्रांच खोलने जा रहे हैं। तपाईं कसैले पनि नेपालको मा उद्योग खोल्न चाहनुहुन्छ भने जस्तो सुके पनि जुनसुकै पनि सानो ठुलो जे जस्तो भए पनि हामीसँग अभाइलेबल छ र कच्चा पदार्थ पनि हामीसँग छ। अब नेपालबाट इन्डिया आउन कस्टम तिर्न बोर्डरको यो सबै झन्झट हामीले एउटा सहुलियत गरिएको छु र लम्की कैलाली कौवापुरमा छ श्री एभरेस्ट फुटवेयर उद्योग। कौवापुरबाट तपाईँहरू नेपालको जुनसुकै ठाउँमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जैसा कि इन्होंने बताया आपको कि नेपाल में ब्रांच खोलने जा रहे हैं, कौन सी जगह पे खोलने जा रहे हैं। जितने भाई लोगों को अब तक माल वहाँ ले जाने में परेशानी आती थी, यहाँ से कस्टम लगता था, बंसाल लगता था, वो सारी परेशानी खत्म होने वाली है। ना आपको किसी तरह का कस्टम ड्यूटी देना है, ना बंसाल देना है, ना ट्रांसपोर्ट देना है। वहीं पर अपने शहर में ही आप अपने देश में अपनी कंट्री नेपाल में ही माल ले सकते हैं सारा का सारा। हेलो दोस्तों, मैं मोनू स्वागत करता हूँ मोनोगत्री ब्लॉग्स में। आज मैं पैराजोन इंजीनियरिंग वर्कशॉप जो की है टैगोर गार्डन के बिल्कुल ही सामने, खुद का जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो सारे के सारे इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहने वाली है। चाहे आप सीट ले लो, चाहे मशीन ले लो, या ए टू जेड रॉ मटेरियल से लेकर मशीन तक सब कुछ यहाँ पे इन हाउस होता है। तो आप कौन कौन सा बिजनेस कर सकते हैं और कितना आपको मिनिमम अमाउंट में यानी कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, सारी बात करेंगे यहाँ के ओनर से, रुपेश भाई से। तो रुपेश भाई कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है सर आपका पैराजोन इंजीनियरिंग वर्क्स में। थैंक यू। तो सबसे पहले जो नए व्यूअर्स हैं, नए कस्टमर हैं, उनको अपनी कंपनी के बारे में कुछ बताइए और अपने बारे में कुछ बताइए। जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं और कोई भाई बहन किसी भी गांव कस्बों शहर में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे साथ आज एक कम अमाउंट से, कम पूंजी से, छोटी इन्वेस्टमेंट से एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और वो बिजनेस है स्लीपर मेकिंग इंडस्ट्री। जी दोस्तों, आज जो हम यहाँ पे हम आपको लेके चले हैं स्लीपर दिखाने के लिए कि किस तरीके से आप अलग अलग आर्टिकल्स में, अलग अलग वैरायटीज में, मतलब एक ही छत के नीचे आपको हर तरीके की क्वालिटी का माल मिलेगा, मशीन्स मिलेगी और चप्पल से बनाने से रिलेटेड कोई भी टूल्स या कोई आपको आर्टिकल्स या कुछ भी आइटम आपको पैकिंग मटेरियल भी तक चाहिए तो वो भी आपको एक ही जगह से मिलेगा और किफ़ायती दाम पे मिलेगा, यानी कि फैक्ट्री रेट पे आपको माल मिलेगा। अच्छा, तो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहने वाली है? हाँ जी सर, मेरी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है। अच्छा। और आप यहाँ पे कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं या आप देख रहे हैं कोई बिजनेस को आप स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों जब तक आप मैन्युफैक्चर से नहीं जुड़ेंगे ना,
तब तक आपको कॉस्टिंग निकालना मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ पे जितना भी आपको काम मिलेगा वो सारा मेक इन इंडिया मिलेगा। अच्छा, कि इंडिया में बैठ के अपना ही मैन्युफैक्चरिंग करना। बिल्कुल। और अगर अमाउंट की बात करें तो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहें स्लीपर में तो कितने से स्टार्ट कर सकते हैं? अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने की बात करते हैं तो आप कम से कम मात्र 5,000 रुपये से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं मेरे साथ। अच्छा, मात्र 5,000 रुपए से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, यानी 5,000 रुपए में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं स्लीपर का। बिल्कुल बिल्कुल। और यानी कि रॉ मटेरियल कहाँ पे मिलेगा फिर? रॉ मटेरियल्स के लिए आपको मेरे पास ही कॉन्टेक्ट करना है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं रॉ मटेरियल्स के। अच्छा। तो आपको रॉ मटेरियल्स में यहाँ पे सारी क्वालिटीज आपको मिलेगी। अच्छा, यानी कि आप रॉ मटेरियल भी दोगे, बद्दी और ये जो पूरी ये सीट वगैरह होती है सब कुछ अपने पास हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इन हाउस यानी कि सभी चीजें मिलने वाली है। तो स्लीपर के अलावा यानी कि अपने पास कौन कौन से मशीनें मिलने वाली है? स्लीपर के अलावा यहाँ पे आप डिस्पोजेबल आइटम, जैसा कि अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि मेरी एक जो मशीन है वो एक ही मशीन से आप मल्टीपल काम कर सकते हैं, उसमें आप पैकिंग भी कर सकते हैं, जैसे जूना पैकिंग, स्क्रबर पैकिंग, मसाला, ड्राई फ्रूट, टूथब्रश, मतलब पैकिंग से रिलेटेड कोई भी अगर आपके आइटम्स हैं मल्टीपल, जैसे कोई टॉयज वगैरह, इंपोर्टेड टॉयज आप पैक करना चाहते हैं जी, तो आप वो भी उसके अंदर पैक कर सकते हैं। और एज वेल एज डिस्पोजेबल आइटम, जो प्लेटें हम जिसे बोलते हैं, अच्छा, डोना प्लेट थाली, बिल्कुल, जैसे कि आप गाँव कस्बों में आप देखें कि लगन वगैरह में प्लेटों की रिक्वायरमेंट होती है जी, तो वो भी आप उसके अंदर बना सकते हैं। तो एक ही मशीन के अंदर मतलब 3 से 4 काम आप आसानी से कर सकते हैं, तो वही मैं आपको आगे दिखाना चाहूंगा आपको। अपना कोई अगर ब्रांड बनाना चाहे वो भी बना सकता है? बिल्कुल, अगर कोई कस्टमाइजेशन चाहता है, कोई चाहता है कि मेरे नाम से कोई ब्रांड बना दो आप। अच्छा। तो उससे रिलेटेड इम्पोजिंग मशीन्स आती है स्मॉल, मैं भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा। और स्टीकर बनवा सकते हो। अच्छा। स्टीकर के साथ साथ आप एज वेल एज अपने प्रिंटिंग फ्रेम बनवा सकते हो। अच्छा। मतलब एक ब्रांड बनाने के लिए कई सारे ऑप्शन है हमारे पास। अच्छा, यानी कि जो भी बड़े बड़े ब्रांड है एज इज हम भी यानी कोई भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और पूरा गाइड करने वाले हो? बिल्कुल सर, यहाँ पे पूरी गाइडेंस मिलेगी। किस तरीके से जो क्लाइंट यहाँ पे आते हैं वो जो होलसेल में काम कर रहे हैं, इस तरीके से माल को लेके जाते हैं, आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे आप। अच्छा। कि इस तरीके से माल जाता है भर के पूरा। अच्छा, इतना बल्क ऑर्डर में यानी कि जाता है? बिल्कुल, ये बल्क ऑर्डर में जा रहा है। बिल्कुल, यानी कि यहाँ से इतने पूरे पूरा यानी कि छोटा हाथी जो है ये पूरा पूरा ट्रक भर के जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको एक ही मशीन से मल्टीपल काम करने वाले हैं आप। और जैसा कि यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाऊंगा पैकिंग का मटेरियल, कि हाँ आप इस मशीन से पैकिंग भी कर सकते हैं, डिस्पोजेबल आइटम और चप्पल भी बना सकते हैं। अच्छा। तो मैं आपको वन बाय वन पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको पैकिंग करके दिखाऊंगा। अच्छा। किस तरीके से आप पैकिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं जूने के हमने पहले फिल करा। अच्छा। डाई के अंदर, और उसके बाद हमने ऊपर पेपर रखा इसके। अच्छा। और पेपर कोई भी अपने ब्रांड से बना सकता है, यानी कि ये जो कोई भी किसी भी तरीके का बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हमने रखा मशीन के अंदर। अच्छा। और यहाँ हमने मशीन ऑन कर दिया जैसा कि आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और ये हमने प्रेसिंग करी। अच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हैं। अच्छा। और अरे वाह, यानी कि कितने सेकंड रखना होगा? आपने तो मुश्किल से 1 सेकंड रखा है, जबी की जबी हो गई। अरे वाह, यानी कि सेकंडों में? बिल्कुल बिल्कुल, सेकंडों में यानी कि पूरा पूरा पैकेट तैयार हो गया। बिल्कुल, पैकेट तैयार हो गया। बिल्कुल सर, यहाँ पे ये जो मशीन मैंने आपको दिखाई है महावतार फुली ऑटोमेटिक, ये मशीन वही है जिससे पहले हमने पैकिंग करा था अभी। अच्छा। और पैकिंग के बाद आप इसके अंदर छोटे आइटम, बड़े आइटम सारे ही बना सकते हैं, कलरफुल आइटम देखे। अच्छा। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लेट्स आप। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं आपको यही बना के दिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपने इसके अंदर बनाना है। सिंपल ही आपने पेपर लिया आपने। अच्छा। और पेपर लेने के बाद आपने इसके अंदर डाई के अंदर रख दिया। अच्छा, सिंपल नॉर्मल पेपर लेना है? बिल्कुल नॉर्मल पेपर लिया। अच्छा, आपने। बिल्कुल। और ये हमने मशीन को डाउन कर दिया। अरे वाह, अरे वाह, यानी कि सेकंडों में बन गया। ये देखिए पूरी जो प्लेट है, पूरी प्लेट की प्लेट बन गई सेकंडों में। बिल्कुल देख रहे हैं आप यहाँ पे किस तरीके से प्लेट बनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसी तरीके से आप ऑल साइज मतलब सारे साइज आप बना सकते हो इसके अंदर मशीन। बिल्कुल, यानी कि छोटे डोंगे भी, बड़े डोंगे भी, सभी तरीके से। बिल्कुल जी, अभी तक पैकिंग का सामान देखा आपने बनते हुए। अच्छा। आपने डिस्पोजेबल आइटम देखे आपने, और अब मैं इसमें बनाने आया हूँ चप्पल। चप्पल कि आपने चप्पल कैसे बनानी है। अच्छा। तो आपको मैं यहाँ पे वही दिखाने वाला हूँ एक एक स्टेप करके। तो प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखिएगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। यहाँ पे हमने सिंपल रिमोट आप देख रहे हैं, मशीन को ऑन किया जी। सिंपल रिमोट से हमने प्रेसिंग करी। अच्छा। और ये आपकी जो है देखो दोस्तों, मशीन वही कामयाब है जो एक बार में चप्पल को काट दे। फिनिशिंग तभी आएगी चप्पलों में। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से मैंने वन टाइम शॉट में काटी चप्पल। बिल्कुल। और इसके बाद जो है हम
अच्छा इस तरीके से, यानी कि ये कट गया बिल्कुल। अब हम इसकी ग्राइंडिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राइंडिंग के लिए आपने बिल्कुल सिंपल ग्राइंडिंग करनी है दोस्तों। अच्छा ग्राइंडिंग मतलब यानी कि फिनिशिंग, फिनिशिंग ये आप देख रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। किस तरीके से फिनिशिंग करी गई है। अच्छा। और यहाँ पे ड्रिल चेक करेंगे स्टेप डालने से पहले। अच्छा। ताकि स्टेप की फिटिंग जो है बिल्कुल प्रॉपर आए हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल स्मूथली काम करना है। अरे वाह, यानी कि आप देख रहे हैं। अरे वाह, ये देखिए इस तरीके से हो गया ये, यानी कि सेकंडों के हिसाब से चप्पल बन रहे हैं, सेकंडों के हिसाब से हमारी फिनिशिंग हो गई। और अब हम स्टेप की फिटिंग करेंगे लास्ट। अच्छा। उससे पहले हम पेंटिंग भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें प्लेन शीट के ऊपर, या कोई कलरफुल शीट है। अच्छा। तो उसके ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं, बट अगर पेंटिंग नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे सिंपल स्टेप की फिटिंग करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से स्टेप की फिटिंग होगी। अच्छा, ये इस तरीके से राइट में राइट डालना है, लेफ्ट में लेफ्ट डालना है, ये सब इंडिकेशन स्टेप के ऊपर लिखा होता है। बिल्कुल। बट गलत ना करें, कई बार क्या होता है कि हम राइट में लेफ्ट डाल देते हैं तो चप्पल हमारी खराब हो जाती है। बिल्कुल, और बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे, बिल्कुल इस तरीके से ये yes, फिटिंग प्रॉपर आनी चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए इस तरीके से ये प्रेस करा और ये बद्दे डल गए। आप देख रहे हैं बिल्कुल फिटिंग से। बिल्कुल, और बस इसके अंदर यानी कि सेट करना है और ये लो जी। बिल्कुल इस तरीके से ये कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं किस तरीके से चप्पल हमने कुछ ही सेकंड में चप्पल रेडी कर दी। बिल्कुल, चप्पल तैयार हो गई है। देखो अभी तक हमने यहाँ पे चप्पल बना ली, पैकिंग कर ली। अच्छा। और हमने डिस्पोजेबल आइटम बना लिए। और व्यूअर्स को यही बताना जरूरी है कि इस मशीन के साथ क्या क्या मिल सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्राइंडर मिलेगा साथ में। अच्छा, ग्राइंडर मिलेगा। ग्राइंडर के साथ में आपको डाइज मिलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर, आप आइए। बिल्कुल ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऑल डाइज यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा। और डाइज के साथ यहाँ पे पॉलिथीन आप देख रहे हैं। अच्छा। पैकिंग के लिए पॉलिथीन भी मिलेगी साथ में। और पॉलिथीन के साथ साथ मैं आपको और यहाँ पे दिखाना चाहूंगा जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से क्लैम्प्स है जिसमें आप फ्रेम की फिटिंग करेंगे। अच्छा। क्लैम्प के साथ साथ यहाँ पे आप देखेंगे डाइज की, आप देख रहे हैं अलग अलग वेराइटीज की। अच्छा, कोई अगर साइज की। बिल्कुल अलग अलग साइज, जेंट्स लेडीज किड्स, जेंट्स में कोई डिजाइनिंग डाई चाहिए वो मिल जाएगी यहाँ पे। अच्छा। पेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, पेंट सारे मिलेंगे यहाँ पे। बिल्कुल, पेंट के साथ साथ यहाँ केमिकल्स आप देख रहे हैं सारे, मतलब ऑल केमिकल्स यहाँ पे मिलेंगे प्रिंटिंग के लिए। बिल्कुल प्रिंटिंग के लिए केमिकल्स। यहाँ पे बॉक्सेस आप देख रहे हैं कि पैकिंग के लिए बॉक्सेस की भी रिक्वायरमेंट आती है। और एज वेल एज यहाँ पे प्रिंटिंग फ्रेम्स आप देख रहे हैं। अच्छा। ये सारे फ्रेम्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, राइट। अच्छा, ये सारे के सारे इतने सारे फ्रेम रहने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपको मशीन के साथ में आपको मिलेंगी आपको। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि सारे के सारे रॉ मटेरियल एक ही दुकान, यानी कि एक ही कंपनी, एक ही छत के नीचे, एक ही छत के नीचे ग्राहक को सारी चीजें मिलने वाली है। आपको कहीं भी बाहर नहीं जाना कुछ भी लेने के लिए। बिल्कुल, आप यहाँ पे रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं। आपको यहाँ पे हर तरीके की वैरायटी मिलने वाली है, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि आप यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज और अलग अलग आर्टिकल्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं स्टैंडर्ड आर्टिकल्स। अच्छा। अभी तक आपने देखा होगा कि आप ईवा सैंडल में डील करते हैं या मार्केट में किसी भी तरीके की सैंडल के आर्टिकल्स अलग अलग होते हैं, बट यहाँ पे आपको हवाई की सैंडल आपको मिलने वाली है। अच्छा। हवाई सैंडल दोस्तों। अच्छा। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंट्रोड्यूस हुआ है, यानी कि हवाई चप्पल, यानी कि हवाई सैंडल। बिल्कुल, अभी तक चप्पल होते थे, अब सैंडल बना दिया। बिल्कुल, जब तक आप देखो मार्केट के अंदर कोई यूनिक आइटम नहीं बनाओगे ना, तब तक मार्केट को पकड़ना या उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपको कुछ ना कुछ यूनिक बनाना पड़ेगा, आपको पहचान बनानी पड़ेगी मार्केट में आने के बाद। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं आपको मटेरियल दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको विदाउट प्रिंटिंग कुछ नहीं करना आपको माल के ऊपर। अच्छा। यहाँ पे सब डिजाइंस बने हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं इस शीट में, आप देख रहे हैं डिजाइंस। जी जी, पूरा डिजाइंस बना हुआ है दोस्तों यहाँ पे। और उसके साथ साथ मैं आपको और दिखाना चाहूंगा। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ये पहाड़ बना रहे हैं, ये सारी की सारी सीटें रहने वाली। बिल्कुल जी, मतलब कलर वाइज क्वालिटी वाइज आप किसी भी तरीके से, आप किसी भी आर्टिकल में आप देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा। हेल्थ की आपको शीटें चाहिए जिसे डॉक्टर शीट बोलते हैं। अच्छा। वो शीट यहाँ पे अवेलेबल है। और भी डिजाइन यहाँ पे अवेलेबल है, इम्बोजिंग डिजाइन ईवा की यानी की चाहिए या फिर हवाई की चाहिए, सभी तरह की सीटें। बिल्कुल, और एज वेल एज यहाँ पे आप देख रहे हैं कितने अलग अलग टाइप की शीटें हैं। जैसे यहाँ पे आप फ्लोवर्स में देखेंगे, अच्छा ये फ्लोवर डिजाइन है, इसके ऊपर फ्लावर बना हुआ है ऑलरेडी। अच्छा, फ्लावर। तो आपको हर तरीके का डिजाइन यहाँ पे आपको मिल सकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल, मिलने वाला है यहाँ पे। ये देख सकते हो ये मल्टी कलर रहने वाला है। बिल्कुल, और इसके साथ साथ मैं आपको स्ट्रैप भी दिखाऊंगा किस तरीके से आप ऑल स्ट्रैप आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा। जैसा कि आप सारे यहाँ पे देख रहे हैं रबड़ के स्ट्रैप, पीवीसी के स्ट्रैप। अच्छा बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे रबड़ स्ट्रैप है ये आप देख रहे हैं। अच्छा, हर तरीके की वैरायटीज यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलने वाला है, सारा रॉ मटेरियल मिलने वाला है, गाइड करने वाले हैं, और यानी कि मशीनें मिलने वाली है, किस तरीके से यानी पैकिंग करनी है, किस तरीके से सब कुछ। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से आपको हर एक वैरायटी का स्टेप आपको यहाँ पे मिलेगा। बिल्कुल, मतलब पीवीसी, रबड़,
पीवीसी में कई आर्टिकल्स हैं, जेंट्स के अंदर आपको 10 से 12 आर्टिकल्स यहाँ पे आपको सारे दिख रहे हैं, आपको हर तरीके का आर्टिकल्स यहाँ पे आपको मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि कट्टे के कट्टे, बोरे के बोरे भरे हुए हैं हर तरह की, ये जो बद्दे होते हैं उनके। बिल्कुल, आप इसके अलावा भी कोई चाहते हैं कि कोई आपको अपना कस्टमाइजेशन कुछ बनवाना है तो आप वो भी यहाँ पे बनवा सकते हैं कस्टमाइजेशन। जैसे कोई आपने अपना नाम इम्बोज करवाना है शीट के ऊपर, या जैसे आप ये चप्पल देख रहे हैं यहाँ पे अपना कोई नाम आपने इम्बोज कराना है तो उसके लिए आप इम्बोजिंग मशीन, आप ये वाली इम्बोजिंग मशीन देख रहे हैं और इसके साथ में डाइज आप देख रहे हैं। अच्छा, मतलब आप हर एक तरीके से अपने ब्रांड को आप मार्केट के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ब्रांड बनाने का तरीका होना चाहिए दोस्तों, टूल्स पूरे होने चाहिए। अगर टूल्स पूरे होंगे तो जाहिर सी बात है आप चप्पल को अच्छा प्रेफर मार्केट के अंदर कर सकते हो। बिल्कुल, तो भैया ये बताया अगर किसी को ऑर्डर करना हो या विजिट करना हो तो कैसे आ सकते हैं और कैसे यानी कि ऑर्डर कर सकते हैं? ऑर्डर करने के लिए पैराजोन इंजीनियरिंग वर्क्स WZ5 टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 के सामने आप अपनी सेल्फ विजिट भी कर सकते हैं। अच्छा। और इंडिया के किसी भी कोने में बैठ के आप हमें वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। अच्छा। आप माल को देख सकते हैं और बुक करवा सकते हैं। अच्छा। और भेजने का जो साधन है वो शिप से जाएगा, अगर आउट ऑफ कंट्री है तो शिप से जाएगा, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मॉरिशेज। अच्छा। आप किसी भी कंट्री में माल मंगवा सकते हैं। अच्छा। और अगर इंडिया के अंदर है तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्शन हर जगह अवेलेबल है, चाहे वो गांव कस्बा कोई सा भी हो। बिल्कुल, यानी कि वर्ल्ड वाइड शिपिंग रहेगी। वर्ल्ड वाइड। और पेमेंट की बात करें तो पेमेंट की बात करें तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। आपका ऑर्डर किस टाइप का है, किस तरीके का है, उसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं कि आपको किस तरीके से पेमेंट करना है, किस तरीके से माल परचेज करना है। बिल्कुल, तो टोटली मिला के एक बार आपको कॉल करें, व्हाट्सएप करें। जी बिल्कुल।